आपने कई बार यह जरूर सुना होगा कि ट्रैक्टर हाई गियर में ज्यादा माइलेज देता है या टॉप गियर में ज्यादा माइलेज देता है। अगर खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो तो बोलेंगे कि लो चौथे में ज्यादा माइलेज देगा या एक गियर में ज्यादा माइलेज देगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन से गियर में ट्रैक्टर ज्यादा माइलेज देता है, रोड पे या खेत में। और ये सिर्फ बातों में नहीं, मैं आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूंगा कि गियर का माइलेज के साथ क्या संबंध है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप एमजे भंडारी परिवार का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में कुछ हजार सब्सक्राइबर बाकी है, तो जल्दी से कर दो। और जैसे ही आप 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हो तो मैं गिव अवे करने वाला हूँ 2 ट्रैक्टर का, मतलब सच्ची वाले नहीं, ये 2 ट्रैक्टर मॉडल का। आप इसे गिफ्ट हाउस से खरीद भी सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। उनके पास लगभग सभी कंपनी के मॉडल है, जैसे कि महिंद्रा, स्वराज, न्यू ऑलैंड, फार्माटेक, सोनालिका और भी कई सारे मॉडल मिल जाएंगे। और इन कंपनी के अलग अलग मॉडल भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रॉली, कार, बाइक वगैरह भी मिल जाएगा। अगर आपको सभी मॉडल देखना है, उसकी प्राइस जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि माइलेज किन बातों पर डिपेंड करती है। हो सकता है कि एक ही कंपनी के सेम मॉडल आपके पास हो, दोनों ही नए हो, तो फिर भी दोनों के माइलेज में काफी फर्क हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसमें गियर का क्या रोल है? तो देखिए, माइलेज डिपेंड करती है जमीन पर, कैसी जमीन है, नरम है, सख्त है, सूखी है या पथराड़ है। सड़क पर कई बार कच्ची सड़क होती है, अच्छी सड़क नहीं होती है, और अच्छी सड़क है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसमें चलाने वाले ड्राइवर पर भी काफी डिपेंड करता है। सेम खेत में भी ऐसा होता है। ट्रैक्टर की माइलेज इतनी बातों पर डिपेंड करती है ना, अगर आप डीप में देखोगे तो आप सोचेंगे कि इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ट्रैक्टर चला ही नहीं पाएंगे। तो ज्यादा मत सोचिए, आपके पास अपनी चैनल एमजे भंडारी है ना आपके लिए। इसमें जो जरूरी बात है वो मैंने आपको कई वीडियो में बताई और आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा सिंपल तरीके से, जिससे आपको आसानी से समझ आए। तो आज गियर के बारे में जानते हैं। तो सड़क पर आपको टॉप गियर में ज्यादा माइलेज मिलती है, वो तो आपको पता ही होगा। तो कई लोग उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी टॉप गियर में ट्रैक्टर रखते हैं और आधे क्लच पर ट्रैक्टर चलाते हैं। मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा। अब ट्रॉली में वजन भरा हुआ होता है और जैसे ही आप ट्रैक्टर को स्लो करके वापस उसी गियर में उठाते हैं, तो आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि ट्रैक्टर पहले थोड़ा दबता है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता है। फिर ऐसा होता है, सड़क पक्की न होने के कारण बार बार ऐसा चलता रहता है। अब आप ही सोचिए कि ट्रैक्टर बार बार दब रहा है, उसे वही गियर में वापस उठाते हैं तो क्या वो ज्यादा माइलेज देगा? बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा तो एक गियर डाउन कर दीजिए या फिर जो भी गियर की रिक्वायरमेंट है वो गियर लगा दीजिए। इससे ट्रैक्टर डीजल कम लेगा क्योंकि वो दबेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग फिर भी ये गलती करते हैं, मानो कि आदत सी हो गई है। अब अगर अच्छी सड़क है, पक्की सड़क है, हाईवे है, तो फिर टॉप में भगाइए, वहां पर कोई धीरे नहीं चलाता है, वहां पर टॉप गियर में आपको अच्छी माइलेज मिलेगी, वो तो सब जानते ही है। अब अगर खेत में ट्रैक्टर चलाने की बात करें तो आप कौन सा एप्लीमेंट चलाते हैं, किस स्पीड में चलाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आप गियर चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कल्टीवेटर चलाते हैं तो कई लोग पहले गियर में चलाते हैं, ज्यादा स्पीड चाहे तो दूसरे गियर में चलाते हैं, हाई के दूसरे गियर में, और मीडियम स्पीड चाहे तो लो टॉप में भी चलाते हैं। वैसे आपके जमीन के हिसाब से कल्टीवेटर कौन से गियर में चलता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको वो गियर पसंद करना है जिससे ट्रैक्टर दबे ना और काम भी सही हो। अगर आप ज्यादा हाई गियर रखोगे तो ट्रैक्टर स्लिप मारेगा या फिर दबेगा। इसमें रोटावेटर जैसे एप्लीमेंट की बात नहीं हो रही है, उसमें तो आपको आरपीएम भी ज्यादा डिपेंड करता है। और अगर आप ज्यादा लो गियर रखोगे तो ट्रैक्टर की स्पीड कम होगी, आरपीएम ज्यादा होगी, तो इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा और जो टायर का आरपीएम है वो गियर के हिसाब से कम रहेगा। तो इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है वो जितनी बार ज्यादा घूमेगा उतनी बार वो डीजल लेगा, तो वो तो डीजल की बर्बादी होती है। तो ये जो बोलते हैं कि ये गियर में ज्यादा माइलेज मिलती है, तो अलग अलग काम के हिसाब से अलग है। जिस गियर की जरूरत है उसी गियर में आप अगर ट्रैक्टर चलाते हैं तो वहां पर अच्छी माइलेज देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी हम बात करेंगे। तो ट्रैक्टर से जुड़ी हुई रोज नई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।